My camera will be off right now. Okay. Right. So today you'll have to bear it because my network save it for the second class also. So which is my camera is off. Okay. Muskan ma'am, will you do me a favor? When somebody raises hand, can you send them the prompt to unmute? Sure, ma'am. Yeah, okay, thank you. Okay, people. So today's session, we begin with the discussion dining etiquettes. Humne last time dining etiquette start kiya tha, right? Excuse me, ma'am. Sorry to interrupt you. Ma'am, can you do me a favor? Kindly make a cancha, ma'am, for what's all? A cancha, ma'am. Just give me a minute, ma'am. Where is it? Thanks a lot, ma'am. Yeah, done. Okay. So people, in the last class, we had started discussing about dining etiquettes. And you remember we had begun the session the other day by learning how do we lay the table, right? Humne table lay karna sikha tha. Let me see if I can join in again. Ye wali ek baje. Okay. Recording in progress. Okay. Fine. I've signed in again from the laptop. Just started working now. Great. So we had started discussing about the dining etiquettes, right? Now in today's session, we'll continue with that. And before we proceed, let's quickly look at the link ki dining etiquettes social health ke andar kyun aa raha hai. Kisi ko yaad hai ki hum dining etiquettes ko social health mein kyun dal rahe the? Anyone remembers it? Please raise your hand. हम डाइनिंग एटिकेट्स को टेबल मैनर्स को सोशल हेल्थ में क्यों डालेंगे? यस पुलकित मैम, आपने क्या बोला? सुबह से बोली मैम, हम डाइनिंग एटिकेट्स को सोशल हेल्थ में क्यों डालेंगे? वो सोशल हेल्थ का पार्ट क्यों है टेबल मैनर्स? ओके मैम. यस गगन. क्योंकि मैम शायद मैम जैसे हमने बिना हैंड वॉश के मैम हमने फूड खाया तो मैम जम्स होते हैं ना हैंड्स में, तो हमारे वो सोशल हेल्थ के अंदर होते हैं. सोशल हेल्थ का मीनिंग क्या होता है बेटा, आपको याद है? मैम हमें सही से याद नहीं है. ओके सर्वंग सॉरी. सोशल हेल्थ मतलब क्या होता है? वाओ, आप सबको याद है हमने गेम खेला था रिलेशनशिप के ऊपर? नहीं याद? हमने गेम खेला था योर फादर्स सिस्टर्स डॉटर इज योर डैश. एनीवन रिमेंबर्स इट? राइट. सो यक्षित रिमेंबर्स, हुमायरा रिमेंबर्स, राइट. ओके शिव रिमेंबर्स. सो हमने ये गेम हमने किस लिए खेला था? रिलेशनशिप्स के लिए, है ना, कि सोशल हेल्थ क्या होता है? इट इज अबाउट रिलेशंस. तो डाइनिंग टेबल पर रिलेशंस का क्या लिंक हुआ? सोशल हेल्थ इज अबाउट रिलेशन. सोशल वर्ड का मतलब क्या होता है? जब हम सबसे मिलते हैं, राइट, हम बोलते हैं ना सोशलाइज, वो पर्सन बहुत सोशलाइजिंग है, वो सबसे बहुत अच्छे से मिलता है, वी यूज दिस वर्ड, राइट. सो सोशल हेल्थ मीन्स रिलेशंस. तो डाइनिंग टेबल पर या फिर टेबल मैनर्स जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं खाना खाते टाइम, तो यहाँ पर रिलेशनशिप हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं? दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक.
ओके पुलकित मैम आपकी वॉइस लो आ रही है मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही प्लीज रेज योर लेवल ऑफ वॉल्यूम चाइल्ड बिकॉज़ फ्रॉम माय एंड इट्स 100% ओके जस्ट चेक योर वॉल्यूम वंस यस पाकी मैम हम सबके साथ ईट कर रहे हैं इसीलिए हम सबके साथ ईट कर रहे हैं राइट तो अगर हम ठीक से नहीं खाएंगे अगर हम टेबल मैनर्स फॉलो नहीं करेंगे तो कोई हमारे साथ बैठ के खाना चाहेगा नो मैम पर गिर रहा है मुझे स्पून ठीक से नहीं पकड़ रही मैं गिर रहा है तो कोई नहीं खाना चाहेगा राइट और डाइनिंग टेबल पर वी आर देयर टू क्रिएट आवर फॉन्डेस्ट मेमोरीज जब भी हम एक साथ सब खाना खा रहे होते हैं हम अपनी मेमोरीज बना रहे होते हैं ना कि लास्ट टाइम जब हम वहां गए थे तो हमने ऐसे किया या आज जब हम खाना खा रहे हैं तो आज द प्लेस वेयर यू आर सिटिंग या फिर आपको कुछ दिखता है यूनिक सा आप उसको याद रखते हो सो वी आर क्रिएटिंग फॉन्डेस्ट मेमोरीज तो अगर हम डाइनिंग एटिकेट्स ही फॉलो नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स हम वो मेमोरीज नहीं बनाएंगे वाई बिकॉज पीपल विल जस्ट फील अनकम्फर्टेबल तो जब आप अनकम्फर्टेबल सिचुएशन में रहोगे तो आप कुछ नया करना पसंद करोगे या आप सोचोगे फटाफट खाना खाओ और जाओ यहाँ से राइट यू वोंट लाइक दैट सिचुएशन सो विच इज वाई योर डाइनिंग एटिकेट्स कम अंडर सोशल हेल्थ ओके क्योंकि हम वहां मेमोरीज बना रहे हैं और मेमोरीज के साथ हम अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो अब हमने फर्स्ट स्टेप उसका सीखा था लेइंग द टेबल कि हम टेबल ले आउट कैसे करते हैं डू वी ऑल रिमेम्बर दैट डू वी ऑल रिमेम्बर द एक्टिविटी ऑफ लेइंग द टेबल राइट ओके सो BMW रूल जिसमें हमने फॉलो किया था नाउ टुडे वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ इट अब कि जब हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ वेदर वी आर द होस्ट और वेदर वी आर द गेस्ट ओके इन बोथ द सिनेरियोस हम क्या टेबल मैनर्स फॉलो करते हैं सो फॉर दैट वील प्ले अ गेम एंड द नेम ऑफ द गेम इज मैनर्स शरार ओके सो टुडे वील प्ले मैनर्स शरार मैनर्स शरार पे डू यू नो क्या करते हैं हम Anyone who knows what we do in the charade game? Anyone remembers? Okay, nobody knows. Fine. So charade game mein kya hota hai? One person does the action, another person guesses it. So I will not speak anything. I will just enact. Okay, and you have to guess what action I have done, whether that action should be done on dining table or not. Okay. क्लियर अबाउट इट हम सबको गेम समझ आ गया तो आई डू एन एक्शन आपने वो गेस करना है कि वो एक्शन क्या है और उसके बाद यू हैव टू टेल मी कि हमें वो डाइनिंग टेबल पे एक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्लियर रेडी रेडी फॉर द चैलेंज ऑल ऑफ यू शो मी टू थम्स अप क्विकली इफ यू ऑल आर रेडी Okay, right. So I begin with the just observe me. Okay, observe what am I doing, and then you can raise your hand to answer. Now, what do you think I've done? Look at me carefully. What have I done? Okay, Shiv. Ma'am, plate pe chamach bajana. प्लेट पे चम्मच अगर मैं बजाऊंगी तो मैं यहाँ हाथ क्यों रखूंगी थिंक शिव सर्वांग मैम क्या करना है वाओ सर्वांग यू टेल मी द इंस्ट्रक्शन वाज गिवन वेयर वर यू देन आई रिपीटेड इट 3 times व्हाट डिड आई से डिड यू हियर व्हाई Was that required? Did I say don't listen to me? Or did I say listen to me? अब देखो आपको पता भी नहीं करना क्या है और आपने हैंड रेज भी कर रखा है What's the purpose of raising the hand when we don't know what is to be done? You have to guess my actions. What am I doing? Okay, Dhruvika. मैम आपने नैपकिन पहना है अपने गले में राइट तो क्या मैंने ठीक किया है हमें गले में ही पहनना चाहिए नैपकिन ध्रुविका ओ यू म्यूटेड अगेन प्लीज अनम्यूट यस मैम थिंक अगेन नाउ ध्रुविका लेट्स से दिस इज द नैपकिन ओके इट्स अराउंड माय नेक एंड नाउ आई लिफ्ट इट
टू वाइप माई माउथ एंड टू वाइप माई हैंड्स, क्योंकि नैपकिन का पर्पज तो वाइपिंग ही है, इधर वाइपिंग योर माउथ और हैंड्स राइट. तो अगर मैंने उसे ऐसे नेक में पहना है तो मैं यहाँ से ऐसे पिक कर कर ऐसे क्लीन कर रही हूँ, ऐसे हैंड्स क्लीन कर रही हूँ. इट्स लुकिंग फाइन ऑन द डाइनिंग टेबल व्हेन एवरीवन इज अराउंड मी? नो मैम. नो. सो देन डू यू थिंक इट शुड बी अराउंड द नेक? क्योंकि नेक पर अगर मैंने कर दिया तो मैं वाइप कैसे करूंगी, और नैपकिन तो वाइपिंग के लिए है. तो आपको लगता है कि नेक के अराउंड पहनना सही है? नो. नो. ओके, सो दिस इज राइट. हमें नहीं पहनना चाहिए नेक पे, दैट्स रॉन्ग. तो एग्जैक्टली कहाँ प्लेस करना चाहिए फिर नैपकिन को? मोहम्मद हसन, थाई पर. Yes, it should be placed on the thigh. That's the correct position of it. Because you, when you put it on your lap, you can lift it up to wipe your mouth and then keep it back, or you can use it for wiping your hands in the end and then you can keep it back. Okay? So yes, it's placed on the lap. Mohammad Asad has very correctly pointed out. Now let's look at the second one. Now for second one, you have to listen to me and you have to watch me. So you have to look at me carefully and you have to listen to me also. So watch carefully. What do you think I'm doing? Hiren? Tea period. Okay, I'm drinking tea. Was I drinking it correctly? मैं ठीक तरीके से पी रही थी, ऐसे ही पीनी चाहिए साउंड निकाल के. हमें ऐसे साउंड निकालना चाहिए. सो पीपल रिमेंबर दिस साउंड दैट आई वाज टेकिंग आउट, दिस इज कॉल्ड एज अ स्लर्पिंग साउंड. ओके, सो व्हेनेवर यू आर ड्रिंकिंग टी और कॉफी और सूप, आप कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो ड्रिंकिंग में, आप साउंड नहीं निकालोगे. इट लुक्स बैड ऑन द डाइनिंग टेबल. Okay, all right, next. Now look at me again carefully. What do you think I'm doing? Yakshit? I'm eating food. Eating food. Was I eating it correctly? How was my mouth, Yakshit? Was it opened or closed while I was chewing the food? Open. It was open. So, hume mouth open karke chew karna chahiye? No, ma'am. Okay. Another thing, mera jo bite ka size tha, wo small tha ya big tha jo mouth mein tha? Big. Big. So, kya hume mouth ko stuff karna chahiye big bite se ya zyada khane se? Bataiye. Do you do it? No, you're smiling, huh? Break time, school mein? It's good if you don't do it. Right. So people, yes, we should not be doing this. Agar hum big bite mouth mein lenge na, that's how it looks. And it's so bad. So imagine, aap aise kisi ke aage kha rahe ho, kitna bura lagega. Right? And secondly, when your mouth is open, that also doesn't look nice. And there should be no chewing sound. We eat like this also at times. Aise nahi hona chahiye, okay? It looks bad. So no sounds while chewing the food. No mouth open while chewing the food. It should be closed. And thirdly, your bite should be of your mouth size. Jitna aapke mouth mein aa sake, utna hi bite lijiye. Not bigger than that, okay? It looks very, very bad. Then next one. Now look at me. I am doing something, okay? Just watch me carefully. This is how I'm sitting otherwise. I have done something now. Can you all see me leaning? Can you all see me bending a bit? Now I pick up something and I do this. So what do you think I'm doing? Batsala? Ma'am, you are moving your hand. I'm moving my hand. So, do you think I'm putting something in the food when I'm moving my hand?
See, I was doing this. तो मेरे आगे से हैंड देखो शेप कैसा है. It means I am holding something in my hand. Yes. So I'm putting. तो क्या डाल रही हो सकती हो मैं फूड में? Ma'am, salt. Yeah. अगर फूड में salt कम है तो मैं salt या pepper डाल रही हो सकती हो, right? Yes. राइट सो वत्सला एक बात बताओ. मैं आपने मुझे देखा था कि मैंने सॉल्ट या पेपर टेबल से पिक कैसे किया था? मैंने ऐसे सीधा ही उठाया था या मैं थोड़ा बेंड हुई थी? डिड यू सी मी बेंडिंग अ बिट? ओके अब आप थोड़ा सा बेंड होकर देखो. बेंड योरसेल्फ एवरीवन बेंड. नाउ व्हेन यू बेंड व्हाट हैपेंस टू योर एल्बोज? डज इट गो ऑन द साइड? Is your elbow going on the side? Yes or no? Show me a thumbs up if your elbow is going on the side. Right. तो जब आपकी elbow ऐसे होगी तो जो आपके side में बैठा है उसे hurt कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है. तो हमें ऐसे bend होकर कुछ भी table से उठाना चाहिए कि हम किसी को hit करें? नहीं. तो हम क्या कर सकते हैं अगर कोई चीज मुझसे थोड़ी सी दूर है तो? हम क्या कर सकते हैं? If I want salt या pepper या vegetable bowl, what can I do? Okay, Sarvang? Ma'am, khadi hokar, ma'am, leke aakar. Nahin, hum dining table pe bete kabhi khade hokar leke nahin aate. Thik hai, kyunki aap khana baith chuke ho khane, to aap uthte nahin. Okay? Always remember that. To aur kya kar sakte hain? Socho, hum stand nahin kar sakte, hum lean nahin kar sakte, pick karne ke liye, to hume kya karna chahiye? Gagan, try. मैम हमें जो बैठा है मैम हमें उसे कहना चाहिए कि वो हमें दे दे. Absolutely right. Great. जो हमारे पास बैठा है हमारे लेफ्ट साइड में है अगर वो चीज तो जो हमारे लेफ्ट साइड में बैठा है या जो हमारे राइट साइड में बैठा है उनको बोल सकते हैं कैन यू प्लीज पास मी सॉल्ट और कैन यू प्लीज पास मी वॉटर और कैन यू प्लीज पास मी पेपर. राइट सो वी आस्क द पर्सन डेफिनेटली. ओके नाउ I want you all to think of certain behaviors and enact. Abhi jaise maine behavior enact kiya na, now who would want to take the challenge of enacting? Kaun enact karna chahega sabke samne? And we all will guess. Who wants to take the challenge? Quickly raise your hand and let me know. Think of the behavior pehle. Quickly, 1 minute I give you, think of the behavior. Aap kya enact karna chahoge? वो रॉन्ग बिहेवियर भी हो सकता है राइट भी हो सकता है क्योंकि हम सब गेस कर रहे हैं. ओके प्रसिद्धि आर यू रेडी? Okay, it's Paridhi. Paridhi, please unmute. Yes, ma'am. आपने behavior सोच लिया? Ma'am. You were given time. You were given time, no? What were you doing? आप क्या कर रहे थे? आपको time दिया था जब बेटा think करने के लिए? आप नहीं सोच रहे थे? Yes, ma'am. सोच रही थी. क्यों नहीं सोचा? Will 2 minutes be sufficient for you to think? Yes, ma'am. ठीक है. Mute yourself. I'll come back to you after 1 child. Okay? Okay. Yashvi, please unmute. Yes, ma'am. Yeah, please enact the behavior. Yashvi, aapne socha nahi abhi tak beta. Time diya tha na. Yes, it's not for people who are raising hand. It's for everyone. So everyone should be thinking.
After Paridhi, I'll ask you, please unmute. Please mute yourself. Ronak, unmute. Yes, ma'am. You're ready to enact? No, ma'am. Kya ho gaya? Matlab, we all are happy with the Shara coming to this week, huh? And getting many holidays. So 2 days working, rest off. So we are all excited. Okay, mute yourself. Okay, Vivan. I'll just put you in spotlight, then you start the action. Yes. Okay. All right. So have all of us seen Vivan? Now please guess what Vivan is doing. Who's going to guess it? Dhruvika, you want to guess? Okay. Go ahead, Dhruvika. Ma'am, wo soup pee raha hai. आप सूप पी रहे हो विवान? नो। ओके। ध्रुविका नादर ट्राई यू वांट? ओके थिंक दक्ष गो अहेड। आई एम ईटिंग फूड। ओके ही इज ईटिंग फूड। डू यू थिंक ही इज ईटिंग इट करेक्टली? यस मैम। वो ठीक से खा रहा है? दक्ष बताइए, हम इतना जल्दी जल्दी खाते हैं जितना जल्दी जल्दी खा रहे हैं विवान? नो, तो इट मींस ही इज ईटिंग वेरी फास्ट, सो आइडियली हमें स्लोली खाना चाहिए और माउथ का बाइट फिनिश करना चाहिए, राइट? सो विवान, दिस इज व्हाट यू वांटेड टू शो, राइट? ओके फाइन, थैंक यू विवान, यू मे म्यूट योरसेल्फ. Okay, who is the next person who wants to perform? Kavya? Kavya, unmute. Wait, Kavya, let me put you in spotlight better so that everyone can see you. Yeah, now show your behavior. Okay, repeat once again. Okay, anyone who would like to guess? Daksh has guessed, let others try once. Yubika, you want to try what Kavya is doing? Okay, please unmute. Ma'am, she is drinking something. Okay, she's drinking something. She's drinking it correctly? Yes, ma'am. इतना पीछे आप हेड को करते हो ड्रिंक करते हुए. She is focusing on head so much. Do it once again, Kavya. Head इतना पीछे नहीं जाना चाहिए ना, हम थोड़ा सा हेड पीछे रखते हैं. Kavya, wait, you're muted. Kavya, unmute. Right, we should be sipping slowly and definitely our head should not be going that back. Right, Kavya? Okay, you may mute yourself, dear. Anyone else who wants to try? Okay, Vatsala, you want to try? Yes, ma'am. Just give me a minute. Let me put you in spotlight first. Right. Please go ahead. Okay, ma'am. Okay. Anyone who would like to guess what she is doing? Yuvika has tried once. Naman, please unmute. Right, Mohammed, you've guessed it. Mohammed Asad.
Naman, please unmute. I can't hear you. I can't hear you, Naman. Can anyone of you hear Naman? Because I can't hear him. Please show me a thumbs up agar aap Naman ki awaaz sun pa rahe ho. Vatsala, can you hear Naman answering? No. Naman, please check your connection once, beta. Your audio is not coming. Okay, Gaurika, please unmute. Yes, ma'am. Yeah. Vatsala, will you repeat the action? Gaurika, you have to guess what Vatsala is doing. Ma'am, Vatsala is eating. She's eating and she's also doing something with the other hand. Yes, ma'am. Yeah, so guess Gaurika, show it once again, Vatsala. Vatsala bhi mute mat karega, theek hai? Okay, ma'am. Yes, Gaurika. Yes, ma'am. Beta, wo khane ke saath saath kya kar rahi hai? हम ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे गौरिका. She is rolling a paper. She is what? Rolling a paper. She is not rolling a paper. Vatsala, are you rolling a paper? No, she is not. Anyone who would like to guess? Okay, Mohammed Asad has written, Vatsala, that you are eating and playing alongside. Yes, ma'am. I am right? Eating and playing with toy. Right. So, hame ye karna chahiye? No, ma'am. No, that's wrong. Right, Vatsala? Good behavior that you portrayed, which we should not follow on dining table. Okay, who else wants to? Okay, Daksh wants to enact. Daksh, go ahead. Daksh, 1 second. I'll have to put you in spotlight as. Yeah. Yes, Daksh. Daksh, aapne sirf beta mute kyun kar liya? Maine aapko prompt unmute ke liye bheja tha. Yeah. Okay. Okay, Daksh is doing the action. Who would like to guess? Okay, Priyansh, will you guess what Daksh is doing? Ma'am, wo baitha hai. Wo baitha hai. Toh aise hum dining table pe baith jate hain sirf jab sab khana kha rahe hain. No, ma'am. Okay, so Daksh, this is what you were enacting. Ki aap aise baithe hain. Then I am thinking. Yeah, so you're thinking and sitting on the table. That is what he said. So, do we sit like that on the table when everyone is enjoying the food? Daksh, bolo, yes or no? Okay. Great. And it's full kit. Now, yes. Want you want to? Ma'am, I want to also to act. Please go ahead, beta. Do it. Yes, ma'am. Okay. So, is this how we eat on the table? Ronak, please guess the behavior, what Pulkit has done. Ma'am, chaat raha hai. Yeah, he's licking the fingers. Kya hum table par aise khana khate hai sabke samne? No.
No. Okay. Thank you, Pulkit, again for enacting something good for us, which we should not follow on the table. Okay. Now, people, yourself, please. So we have seen certain behaviors right now, what we should not be following on the table, right? Now let's quickly just understand certain behaviors which we should be following on the table. I'll just share my screen. Okay, so I'll just share my screen. Can you all see the screen? There's something written that. Okay, because of the network, I am unable to show the screen. However, I'll just share with you all, okay? So on the dining table, what should we be doing? Just give me a minute. Am I audible to all of you? Just show me a thumbs up if you all can hear me. Okay, thank you, Shiv. Thank you, Yakshit. Right. So important things what we should be doing is that when you are sitting on the table, let elders sit first. Jo ghar ke bade hain, pehle unhe baithne dijiye. Another important thing, aap khane ka wait kar rahe ho ya aap baatein kar rahe ho. Aap kabhi bhi elbows aise nahi rakhoge. Theek hai? Your hands and elbows should be like this on the table or on your laps. You should never keep elbows on the table. That's wrong. Then no slurping sound. Another important thing, you can use either your right hand or your left hand for eating food. But whenever you have to drink water, use your right hand for sipping or drinking water. Now, when we are dining table, pe sab baithe hain, to of course, hum khana serve karte hain, right? So let's say the bowl is in your hand. Aapke haath mein vegetable ka bowl hai. To aap usko लेफ्ट साइड पे पास करोगे तो सर्विंग हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है तो आपने वेजिटेबल डाला आप लेफ्ट अपने लेफ्ट आपके लेफ्ट में जो बैठा है आप उसे पास करोगे सो देन दैट पर्सन विल पास इट ऑन लेफ्ट सो इट गोज फ्रॉम लेफ्ट एंड इट इवेंचुअली कम्स बैक टू राइट सो हम सर्विंग हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं अनदर इम्पोर्टेंट थिंग अगर कोई आपसे सॉल्ट मांगता है या पेपर मांगता है राइट तो आप दोनों चीजें पास करोगे आप सिर्फ एक चीज पास नहीं करोगे अब मैंने आपसे लेट से बोला कि मुझे चपाती का बोल पास कर दीजिए नाउ आई एम ऑल्सो ईटिंग फूड साइड बाय साइड तो आप मेरे हाथ में तो मुझे बोल नहीं दोगे ना तो आप क्या करोगे आप मेरे आगे रखोगे तो कोई भी आपसे कुछ भी मांगेगा अगर तो आप उसको उसके हैंड में नहीं दोगे आप टेबल पर उसकी प्लेट के आगे रखोगे सो दैट पर्सन कैन पिक इट अप कन्वीनियंटली एंड पुट इट क्योंकि अगर आप हाथ में दे रहे हो उसके हाथ में बाइट है तो वो कैसे मैनेज होगा राइट सो विच इज वाई वी कीप इट ऑन द टेबल इन फ्रंट देन अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज यू नो वी यूज जनरली स्पून फॉर ईटिंग योर दाल फॉर ईटिंग कर्ड और हम राइस के लिए भी यूज करते हैं बट आइडियली जो हमारी सॉलिड चीजें हैं जैसे राइस पास्ता नूडल्स एंड योर ब्राउनीज केक्स ये सब हम फोक से खाते हैं फॉर स्पून वॉट डू वी यूज We use spoons for curd, pulses, so all these liquid things, gravy items. Okay, we use spoons there. Then pizza, you are eating with hand at home. Okay, but सबके सामने जब आप खाते हो तो आप knife and fork से खाते हो. So you hold knife in your right hand and fork in the left hand.
एंड यू जेंटली यूज द नाइफ. आप ऐसे ऐसे कट नहीं करोगे, आप जेंटली कट करोगे फोक को रखते हुए, एंड देन यू कैन टेक द बाइट इन द फोक एंड ईट इट विद योर लेफ्ट हैंड. नैपकिन एज वी हैव डिस्कस्ड वी पुट इट ऑन द लैप, और जब हम वाइप कर लेते हैं हमारा खाना फिनिश जाता है तब हम उसे फोल्ड करके टेबल पर रख देते हैं. अब कोई चीज आपसे थोड़ी सी सिर्फ दूर है कि आप उठा सकते हो, आपको किसी से हेल्प नहीं चाहिए, तो आप एक फ्रेज बोल सकते हो ताकि आप किसी को हिट ना कर पाओ. यू से द वर्ड एज एक्सक्यूज माई रीच. नाउ एक्सक्यूज माई रीच में क्या है, द पर्सन नोज यू विल बी बेंडिंग अ बिट, so that person will also sit in a way so that he or she doesn't get hurt. Okay, so we use the phrase as excuse my reach. And lastly, your mouth should be closed while you are eating the food. Now while we are on the dining table, we have to remember three magical words. The three magical words are please, may I, and can. Thank you. So can you please pass me the bowl? May I get water? Thank you. So always remember these three magical words, which you can use on the table and create your fondest memories. Okay? Now with this, we come to an end to today's session. See you all again. Have a wonderful, wonderful day. And happy Dussehra to all of you. Enjoy your small break. And keep smiling. Bye-bye, all of you. See you all. Bye, ma'am. Bye-bye. I'll just end this. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. You too. Thank bye, ma'am. Have a nice day.